जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और इस बार की जो शारदीय नवरात्रि है पूरे 9 दिनों तक चलने वाली है। ये शारदीय नवरात्रि इस बार बहुत ही शुभ योगों में भी शुरू हुई और माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई, जो कि बहुत अधिक सुख समृद्धि देने वाली मानी जाती है। तो इस वजह से वैसे भी माँ दुर्गा के दिन जो हैं बहुत विशेष होते हैं, लेकिन इसके कारण माँ दुर्गा के जो ये 9 दिन हैं और भी ज्यादा विशेष हो गए हैं। अब इन 9 दिनों में 2 दिन का बहुत अधिक महत्व होता है, एक तो नवरात्र की अष्टमी तिथि और एक नवरात्र की नवमी तिथि। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अष्टमी तिथि के बारे में, क्योंकि अष्टमी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर अष्टमी तिथि के दिन कुछ उपाय भी कर लिए जाएं तो उसके बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आपको रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाते हैं। इस दिन माँ गौरी की, महागौरी की पूजा अर्चना होती है और कन्या पूजन भी कुछ जगहों पर इस दिन होता है। तो ये जो महाअष्टमी का दिन है ये 3 अक्टूबर के दिन पड़ रहा है। तो 3 अक्टूबर का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है, उत्तम है, बहुत अच्छे योग भी इस दिन बन रहे हैं। और इस दिन अष्टमी का व्रत किया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी को जो कन्या पूजन भी किया जाता है। लेकिन उपाय अगर आप इस दिन कर लें, कुंभ राशि के लोगों के लिए मैं बात कर रही हूं, अगर इस दिन उपाय आप कर लें तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी चिंता दूर हो सकती है और इन उपायों को करने से मन की इच्छाएं भी पूरी होती हैं। दुर्गाष्टमी का दिन इतना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को जानते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में हमारे दूसरे चैनल आपकी एस्ट्रोलॉजर उसको भी सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं यहाँ आपको हर एक आपके जीवन से जुड़े हर एक चीज के बारे में उपाय बताने वाली हूँ। आप दाम्पत्य जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं, बच्चे को, करियर को कैसे बेहतर गति मिल सकती है, परिवार में चल रही परेशानियां दूर कैसे हो सकती हैं, घर में सुख शांति आएगी, स्वास्थ्य से चल रही परेशानी से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, किसी भय पर आप काबू भी कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रेम विवाह के बारे में। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और किसी तरह की परेशानी आ रही है तो इस दुर्गाष्टमी के दिन आप उससे छुटकारा पाने के लिए इस दिन उपाय कर सकते हैं। क्या उपाय करना है आपको? दुर्गा के मंत्र का 21 बार जाप करना है आपको। कौन सा मंत्र? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप आपको 21 बार करना है इस दुर्गा अष्टमी के दिन। सुबह को स्नान आदि करने के बाद में पूर्ण रूप से पूजा विधि विधान से जब आप करेंगे तब आप इस मंत्र का जप करें। और इस जप को करने के बाद में माँ दुर्गा को इलायची का भोग लगाएं। ऐसा करने से प्रेम विवाह में आ रही सारी अड़चने अपने आप दूर होती चली जाएंगी। आप देखेंगे इस उपाय को एक बार करके। अब दूसरा उपाय है दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए। आप अपने हिसाब से उपाय कर सकते हैं, किस चीज के लिए आपको उपाय करना है। सुबह स्नान आदि करने के बाद में आपको देवी माँ को सफेद पुष्पों की पुष्पांजलि चढ़ानी होगी, यानी सफेद पुष्प चढ़ाएं या सफेद पुष्पों की आप माला आप माँ पर चढ़ा सकते हैं और अर्पित कर सकते हैं। और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है वहीं बैठकर। आप दुर्गा चालीसा का पाठ ना कर पाए तो दुर्गा चालीसा का कुछ हिस्सा पढ़ें, बाकी हिस्सा अगले दिन के लिए भी आप रख सकते हैं, लेकिन अभी ये अगला दिन नवमी तिथि है तो इस दिन ही आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वैसे भी बहुत ज्यादा लंबी दुर्गा चालीसा नहीं है। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और 11 बार करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मन में संकल्प लें 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आप देखेंगे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख आने शुरू हो जाएंगे। अपने बच्चों को लेकर परेशान है, करियर के लिए परेशान है, उनके लिए करियर आप चाहते हैं अच्छा, जैसे आप वो तरक्की करें, और इसके लिए आपको क्या उपाय करना है? तो इस दौरान आपको माँ दुर्गा के इस एक मंत्र का 11 बार जप करना है। इस दुर्गा अष्टमी के दिन जब आप पूजा पाठ करेंगे तभी आपको जप करना है। कौन से? ये है या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस एक मंत्र का जप करना है घी के दीपक जलाने के साथ ही। इससे आप अपने बच्चों के करियर को गति दे पाएंगे और उनकी तरक्की को सुनिश्चित कर पाएंगे। अब आप आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या उपाय करना है?
तो स्नान आदि करने के बाद में, स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद में विधि पूर्वक धूप दीप करें, ये तो आपको हर एक उपाय में करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूजा के समय एक एकाक्षी नारियल लें और उस पर 7 बार मौली लपेटें। मौली जो कलावा होता है उसे आप मौली को लपेटकर 7 बार और माता के सामने रख दें। जब आपकी पूजा खत्म हो जाए, पूजा खत्म होने के बाद उस नारियल को वहां से उठाएं और अपनी तिजोरी या पैसों की अलमारी में रख दें। ये खास उपाय आप जरूर करें, इससे आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस को आप अगली अष्टमी तक रख सकते हैं और उसके बाद उसे आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इसे कार्य को आप जरूर करें आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। अब जानेंगे कि अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं तो आपको क्या करना है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बार बार हो जाती हैं, आपको हो जाती हैं, घर में किसी को हो जाती हैं, तो उनके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आप एक मंत्र है उसका जप आपको करना है और ये मंत्र है आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हैं गूगल से। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का आपको जप करना है 5 बार, उसके बाद 5 फलों का भोग लगा देना है तो स्वास्थ्य में आपको बरकत होनी, स्वास्थ्य में यानी आपको थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मंत्रों में जो है बहुत ताकत होती है, अगर उन मंत्रों का आप जप करते हैं विधि विधान से पूरी श्रद्धा के साथ, तो बहुत ताकत होती है मंत्रों में। अब जीवन में देवी की कृपा बनाए रखने के लिए, परिवार का सहयोग बनाए रखने के लिए आप किसी छोटी कन्या में माँ दुर्गा का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं 9 साल से छोटी जो कन्याएं होती हैं वो माँ दुर्गा का ही स्वरूप होती हैं। तो किसी भी छोटी कन्या को माँ दुर्गा का ध्यान रखते हुए उनसे आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। अपने मन से माने कि ये माँ दुर्गा है और उनका आशीर्वाद लें, उनको भेंट स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य जरूर दें और अपने जीवन में माँ की कृपा आपके लिए बनी रहेगी। ये आपको अपने मन में पूरी श्रद्धा रख के कार्य करना है। जिस तरह से आप अष्टमी पूजन करते हैं और कन्याओं को भोजन कराते हैं देते हैं, तो आपको छोटी कन्या को माँ का स्वरूप ही समझना है। जब आप माँ का स्वरूप समझते हैं, माँ समझकर आप उसकी उस पर आप ध्यान देते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके पैर चरण छूते हैं, उनको भेंट स्वरूप कुछ देते हैं, तो ये माता को ही समर्पित होता है। तो इसलिए ये करें और माँ की कृपा बनी रहेगी और कामों में आपको अपने परिवार का सहयोग भी मिलता रहेगा। तो ये कुछ उपाय थे जो आप दुर्गा अष्टमी के दिन कर सकते हैं और दुर्गा अष्टमी के दिन किए गए उपायों का बहुत शीघ्र आपको रिजल्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये दिन ही इतना पावन होता है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके।